आज की हमारी इस क्लास में हम वीवीए की सेकेंड प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले पहली प्रोजेक्ट पे डिस्कस किया था जिसमें हमने आपको फाइल फोल्डर क्रिएट करना सिखाया था। अब दूसरी प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए। मेरे पास एक डेटाबेस में से मुझे डेट वाइज डेटा डाउनलोड करना है, मतलब पूरे साल का डेटा जो कि 365 दिन का है, लेकिन डेटा तो मुझे एक ही फाइल में पूरा नहीं रखना है, मुझे महीने के हिसाब से 12 फाइलों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक फाइल में एक ही सीट पे सारा डेटा नहीं होगा, एक महीने के अंदर 31 दिन है तो 31 अलग अलग सीट पे डेटा होगा। तो मुझे वो फाइल क्रिएट करनी है कि मुझे 12 फाइलों क्रिएट करनी है, 12 फाइल के अंदर में 365 शीट, उसकी उस महीने के हिसाब से जनवरी का फाइल होगा तो उसमें 31 दिन, फरवरी के फाइल में 29-28 दिन, मार्च के फाइल में 31 दिन, ऐसे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो स्क्रीन मैंने दिया है, मैं यहां से एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूं और मैं फोल्डर जहां पे मैं अपना डेव फाइल लगूंगा वो फोल्डर भी डिसाइड कर लेता हूं। तो मान लीजिए राइट क्लिक किया और यहां पे हम डीटी नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है, और मुझे डीटी नाम के फोल्डर में रखना है। वापस हम एक्सेल पे आते हैं, एक नया एक्सेल फाइल लेते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग तो एक्सेल के वीवीए में होगा। उसके बाद हम यहाँ डेवलपर टाइम में आते हैं और यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं, इसको हम बड़ा स्क्रीन पे लाते हैं और इसको डुअल स्क्रीन कर देते हैं। विंडो 11 के अंदर में डुअल स्क्रीन करने की फैसिलिटी है। और फिर यहाँ हम इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम मैं प्री प्रोजेक्ट प्रो 1-2 के नाम से हम बनाते हैं फाइल को और यहाँ लूप देते हैं। लूप में हमने लूप देंगे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं फाइल क्रिएट करने का। तो मुझे फाइल क्रिएट करना है workbooks.add और मुझे पता है कि फाइल को सेव करना है किस में, इसके अंदर में, किस नाम से। तो जनवरी की फाइल है तो मैं यहाँ 1.xls कर दूंगा, ओके? अब मुझे 12 फाइलें बनानी है तो क्या मुझे 12 बार इसको रिपीट करना होगा और हर बार 2, 3, 4, 5, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा क्या? 365 शीट के लिए मैं ऐसे किया था 12 बार, गलत हुआ, ऐसा गलत है क्योंकि हम आप इमेज देखिए, यही चीज, ये जो प्रोजेक्ट है आपको ये चीज को समझने के लिए है कि हम वीवीए, अगर मुझे मैनुअल वीवीए में कोडिंग करना है तो वीवीए प्रोग्रामिंग क्यों यूज करें? कि जितना देर में मैं 12 फाइल यहाँ कोड के जरिए सेव करूंगा उतना देर में तो मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ ना। फिर 12 फाइलों के अंदर सीट ऐड करनी है तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा शीट्स डैट ऐड। हालांकि शीट ऐड करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास होता है कि मैं काउंट में मान लीजिए कि 31 कर देता हूँ, अलग हो जाएगा। फिर हर शीट के नाम शीट्स यहाँ पे 1.name इक्वल टू 1 या जो भी सीट नेम देना है वो करना पड़ेगा। फिर इसको 31 तक लिखना पड़ेगा, तो जितना देर में हम कोड लिखेंगे उतना देर में तो डबल क्लिक करके नाम चेंज कर देंगे ना सर हम। तो कहने का मतलब कोडिंग लिखने में मुझे डेढ़ घंटा लग गया उतना देर में तो मैं मैनुअल फाइल बना लूंगा, तो क्या फायदा वीवीए प्रोग्रामिंग का। तो चलिए इस चीज को जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुझे इसी कोड को 12 बार रन करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहां आरर दिया और यहां पे लिखा एमएसजी बॉक्स और यहां पे मैंने लिख दिया मान लीजिए आईपीटी एक्सेल स्कोर, ठीक है। अब मैं इस आरआर माइक्रो को अगर माइक्रो से जाकर रन करता हूं तो क्या होगा? तो रन करने पे मैसेज बॉक्स दिखेगा, एक बार दिखेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा मैसेज बॉक्स 3 बार दिखे, तो अगर मैं 3 लाइन को रिपीट करेंगे
यहां पे एस, तो तीन बार दिखेगा, लेकिन मैं रिपीट तीन बार नहीं करना चाहता हूं, मैं तीन बार ऐसे लाइन नहीं लिखना चाहता, तीन बार तो मुझे रिजल्ट तो तीन बार चाहिए, बट मैं तीन कोड को तीन बार नहीं लिखना चाहता। तो किसी भी कोड को रिपीट करवाना है उसके लिए यूज होता है लूप का, इसको बोलते हैं फोर लूप, कि फोर आई इक्वल टू चल, यहां पे आई इक्वल टू चले 1 2 3 और यहां पे कर दिया हमने नेक्स्ट आई। अब जो फोर और नेक्स्ट के बीच में जो भी लाइन ऑफ कोड होंगे वो कितना बार चलेंगे, जितना हमने यहां दिया है स्टार्टिंग और एंड। देख ओके एक मतलब एक एक से स्टार्ट होकर तीन बार रन होंगे ना, जी हाँ। और आई क्या है, आई एक काउंटर है, क्या है काउंटर, मतलब एक काउंट करता है कि कितना बार चल चुका है। तो अगर मैं इसके साथ एन परसेंट में आई जोड़ दिया, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, डेटा टाइप है, जैसे कि हमने आईडी लिया, ए लिया था, एक्स वाई जेड लिया था ना, वाई एम डी लिया था, या फिर एन लिया था पिछली क्लासेस में, तो इधर से वेरिएबल। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि आई जो है, देखिए यहां पे वन पास किया, फिर टू पास किया एंड थ्री पास किया, क्या सर समझ में आया कि नहीं सर? तो सेम चीज यहां हम करेंगे, हम लिखेंगे फोर आई इक्वल टू चले 1 2 12 और यहां कर देते हैं नेक्स्ट आई, और यहां नेम भी तो मुझे अलग चाहिए, तो आई और यहां एन परसेंट में इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और फिर फाइल को हम वर्क क्लोज कर देते हैं कि एक्टिव वर्क बुक डॉट कॉम। एक्टिव वर्क बुक क्यों लिए, क्योंकि जो फाइल क्रिएट हो रही है वही तो एक्टिव होगा ना सर, क्या सर? तो अब क्लोज होता है, हाँ ओपन किया था ना वो फाइल, बात है कि अब क्लोज ना करेंगे तो 12 फाइल नीचे ओपन हो जाएगी ना सर यहाँ पे, तो हमारा फाइल क्रिएट करना है हमें और क्लोज कर देना है काम करने के बाद, क्या करेक्ट? अभी एक ओपन होने के बाद सेव होने के बाद क्लोज होता है वो फाइल और दूसरा ओपन होता है। देखिए क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कोड को हम क्या करेगा, इसको हम यहां से रन किए, यहां से रन करते हैं, तो इसने एक फाइल ओपन किया, सेव किया, क्लोज किया, फिर दूसरा फाइल ओपन किया, सेव किया, क्लोज किया, तीसरा फाइल ओपन किया, सेव किया, क्लोज किया, चौथा फाइल सेव किया, क्लोज किया, दिख रहा है सर? दिख रहा है सर कि नहीं सर? और इसी तरह से आप जाके अगर मैं देखेंगे यहाँ पे तो फाइल क्रिएट हो रही है, हो रही है क्या? अब क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 नाम से जो फाइल बनाने ठीक नहीं है, इसके जगह पे जैन फैब होना चाहिए। वही है जैन कैसे बन रहा है, वही सोच रहा था। तो जैन फैब करने के लिए आई को एक फॉर्मूले के अंदर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मंथ नेम नाम का फॉर्मूला, थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करते हैं तो पता चलता है चीज आपको। तो मंथ नेम अगर कर देते हैं, अब मैं इसको रन करता, अब देखिए बार बार स्क्रीन चल रहा था ना, आप चाहते कि स्क्रीन ना चले, तो यहां ऊपर में आप लिख दीजिए एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, अब मैं इसको रन कर देता हूं, तो इस तरह से एक मिनट, अच्छा मैंने अलर्ट कर दिया, स्क्रीन अपडेटिंग करना था, सॉरी सर ये दिमाग में कुछ लग रहा है कि हो गया है। तो यहां देखिए आ गया जैन फैब, तो मंथ नेम फॉर्मूले के अंदर मैंने जो ट्रू डाला है ना, यहाँ पे ट्रू डाला हुआ है ना, इसलिए शॉर्ट नेम दे रहा है, अगर मैं फॉल्स कर दूं तो पूरा जनवरी लिख के आएगा, समझ गए? और ये स्क्रीन चल रहा है उसके लिए यहाँ पे कोड है, बताता हूँ आपको भी, इसको बंद होने दीजिए, हाँ यहाँ स्क्रीन अपडेटिंग इस डिस्प्ले अलर्ट नहीं, इसे करना पड़ेगा, डिस्प्ले अलर्ट होता है और सीट वगैरह डिलीट करते हैं उसके लिए, स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स,
ओके तो हमने यहां पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है कि हमें सी ए क्रिएट कर लिया है, अब मुझे सीट क्रिएट करना है। तो सीट क्रिएट के लिए बोला था सीट्स डॉट एड और यहां हम कॉमा कॉमा अकाउंट में 31 दे देते हैं 31। लेकिन जब सीट जब फाइल हमारी एड होती है तो कुछ ना कुछ सीट तो होता ही है ना सर उसमें। हमने बोला था एग्जैक्ट 31 सीट मतलब कि एग्जैक्ट उस महीने के डेज से होना चाहिए। तो यहां हम क्या कर देंगे माइनस शीट्स डॉट काउंट। कल बताया था ना शीट डॉट काउंट क्या करता है कि उसके अंदर कितने शीट्स हैं उसका काउंट निकालता है। तो मान लो 3 हुआ 31 में से 3 माइनस कर देगा तो कितना बचेगा 28 शीट ऐड करेगा। अब सारे शीट को रिनेम करना है तो यहां पे 4J अब आई नहीं ले सकता क्योंकि आई ऊपर ले चुका हूं कि 4J इक्वल टू चले 1 to 31 और यहां पे नेक्स्ट जे एक और लूप सेकेंडरी लूप मैंने लगाया सीट को रिनेम करने का क्योंकि एक एक करके रिनेम तो नहीं कर सकता ना सर। ओके तो शीट्स आई जे सॉरी जे डॉट नेम इक्वल टू अब मैं डेटा के साथ कंबाइन कर देता हूं जे को तो डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 डेटा 4 5 या इस पे आप डेट भी डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं शीट में रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक है। तो अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा कि 12 फाइलें बनेगी हर फाइल के अंदर में 31 शीट बनेगा और हर 31 शीट का नाम डेटा 1 डेटा 2 से डेटा 31 तक जाएगा। कुछ गलत हो रहा है इसमें सर क्योंकि बट प्रॉब्लम है ये हर फाइल में कर रहा है ना हमने यहाँ पे स्पेशली जनवरी के लिए नहीं किया है ना सर किया। तो अब यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे होगा तो एक्सेल में अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पे मंथ लिया हुआ है ठीक है मंथ हमारा 1 है तो हमारे पास होता है डेट का फॉर्मूला जिसमें 2022 मंथ को सिलेक्ट कर लिया और 1 दे दिया तो एक डेट बना देता है और फिर ईओ मंथ होता है जो इस डेट को इस डेट से लास्ट डेट निकालता है कि इस महीने का लास्ट डेट क्या है और फिर डेज फॉर्मूला बताता है कि 31 का डे क्या है 31। समझ में आया अब इसी को ऑटोमेट यहां करना है तो इसके लिए मैं यहां पे डी नाम का वेरिएबल लेता हूं डी इक्वल टू अब एक्सेल में डेट फॉर्मूला चलता है लेकिन वीवीए में डेट डालेंगे तो कलर सिस्टम डेट देता है यहां डेट फॉर्मूला बन जाता है डेट सीरियल डेट सीरियल इसमें 2022 मंथ हो जाएगा आई और डेट हो जाएगा 1 ठीक है फिर वापस डी में अब ईओ मंथ फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता डालेगा अब लगा के देखेंगे तो नहीं आएगा नहीं आ रहा ओके तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ और इसके अंदर डी कॉमा 0 तो ये आपका 31 जनवरी 29 फरवरी 31 मार्च जैसे डेट दे देगा राइट सर। फिर मैं इसी फॉर्मूला में डे लगा देता हूं डे तो डे फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट करता है देखिए जैसे किया तो नीचे एक्सप्रेशन आ गया ना सर तो डी पे काउंट बता दिया हर महीने का डेट अब यहां जहां जहां मैंने 31 दे रखा है वहां वहां हम डी लगा अब फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया। तो एक बार चलते हैं अपने ड्राइव में पहले से बनी हुई फाइल को हम करते हैं डिलीट एंड वापस हम इस कोड को अब इस बार रन इकट्ठा नहीं करेंगे सर इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो डीबग में मिलेगा आपको स्टेप इनफो इसको एफर्ट शॉर्टकट होता है तो एफर्ट प्रेस किया तो आपने स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स कर दिया ठीक है। अब यहां पे देखिए आई क्या है 1 है मतलब कि यहां मंथ नेम क्या देगा मंथ नेम क्या निकल के देगा जैन तो जैन डॉट एक्सएलएस का फाइल क्रिएट हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां जा गया जैन का। फिर इसने डेट सीरियल ने क्या बनाया डेट 1/1/2022
फिर ईओ मंथ ने क्या किया इसमें से, देखिए ईओ मंथ ने 31 मार्च, 31 जनवरी दिया, और डे ने उसमें से 31 निकाल के बी को दे दिया। किसको दे दिया? डी को। अब यहाँ पे 31 और -3 है, 31 -3 मतलब कि 28 सीट ऐड हो गया। यहाँ देखिए ऐड हो गया सर। हाँ अब फिर एक-एक करके सब सीट का नाम दे रहा है। यहाँ देखिए डेटा वन, क्योंकि जे यहां पे जे चलेगा एक डी तक, मैंने 31 तक चलेगा जे, मतलब कि सीट डॉट नेम को 31 बार रिपीट करेगा। और हमने बताया था लास्ट क्लास में कि हम सीट को सीक्वेंस नंबर से भी 1 2 3 से भी लेके चलते हैं। तीन चीज बताई थी ना, सीट की प्रॉपर्टी नेम, सीट का कैप्शन नेम और सीट का सीक्वेंस नंबर। तो ये हमारा सीक्वेंस नंबर को फॉलो कर रहा है, और देखेंगे ये पूरा आपका 31 तक, ये आपका 31 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 31 तक। यहां देखिए सीक्वेंस बढ़ रहा है, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 31 होने के बाद जे ने क्या किया? वापस दे दिया, क्योंकि जे हो गया 32 और चलना है 31 तक, तो फोर लूप ने लूप से बाहर कर दिया। अब वर्कबुक क्लोज करेगा सेव करते हैं, सेव हो गया, फिर करेगा नेक्स्ट आई। अब इस बार आई क्या हो गया? 2 हो गया, मंथ नेम को 2 मिला। अब एक फैब नाम का सीट जनरेट किया, देखिए कर दिया। अब फिर आप डेट ने आपका 1 फरवरी का डेट बनाया, और ईओ मंथ ने 28 फरवरी, और डे ने 28 निकाल कर डी पे 28 दे दिया। और पहले से 3 सीट है, 28 -3 मतलब कि 25 सीट को ऐड कर दिया, और फिर एक एक करके सब सीट का नाम डालेगा, और इसी को कंटिन्यूअस करेगा। एक बार प्ले कर देंगे तो इसी काम को कुछ ही सेकेंड्स में करके दे देगा। देख रहे कितना स्पीड चल रहा है, अच्छा और सारे डेटा ऐड कर देगा आपका। समझ में आया? करने से ये फायदा होता है ना, वो तो रिपीटेटिव वर्क है, तो हम इजी से जी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अब आप क्या करें, इस कोड को मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, इस कोड को आप अच्छे से एक बार समझे और इसको करके देखे, फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके देखे, ठीक है? और कल हम रेंज के बारे में जानेंगे। क्या रेंज? जी हाँ, हमने वर्कबुक को पढ़ लिया, हमने शीट्स को पढ़ लिया, अब हम रेंज को पढ़ेंगे।